फ्रेंड्स, मैं ज्योति स्पेशल फूड कॉर्नर में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पराठों की रेसिपी। सर्दी का मौसम है, पराठे सभी को पसंद है, तो आज मैं आपके साथ आलू और आलू प्याज के पराठों की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और पसंद आने पर लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पराठों की रेसिपी। तो सबसे पहले हम लेंगे आलू। आलू मैंने उबले हुए आलू हैं, आलू उबाल लिए हैं। प्याज है, प्याज को मैंने बारीक मैश कर लिया है। तेल पराठे बनाने के लिए, आटा मैंने पहले ही गूंथ लिया है अजवाइन डाल के। अजवाइन ऑप्शन है, अगर आपको पसंद हो तो आप डालिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, स्किप भी कर सकते हैं। तो नमक और अजवाइन डाल के आटा, नरम आटा गूंथ लिया है। ये हरी मिर्च बारीक काट ली है और हरा धनिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे मसाले हैं। सबसे पहले हम आलू को मैश कर लेते हैं। आलू हमने मैश कर लिए हैं, अब हम इसमें डालते हैं हरी मिर्च, हरा धनिया, मसाले हैं, मसाले डाल लेते हैं। नमक स्वाद अनुसार, जैसे आपको पसंद है वैसे आप नमक यूज़ कर सकते हो। धनिया पाउडर, मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, ये भी स्वाद अनुसार, और जलजीरा पाउडर, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये देखिए अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। हमने इसमें प्याज नहीं डाली है क्योंकि हमें आलू प्याज अलग और प्याज के पराठे अलग बनाने हैं। तो पहले अब हमने जो इसमें प्याज स्किप की है, तो पहले हम इसके आलू के पराठे बनाएंगे, उसके बाद इसी में हम प्याज मिक्स करके आलू प्याज दोनों मिक्स पराठे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम आलू के पराठे बनाते हैं। सबसे पहले हमने तवा गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से पोर्शन ले लें पराठे का। इसमें आलू रखेंगे, इस तरह से इसे बड़ा कर लेंगे थोड़ा सा, तो हम इसमें से आलू हमारे निकलेंगे भी और आसानी से ये बेल जाएगा। इसी तरह से हम ये बाकी धोयाँ भी बना लेंगे और पराठा बेल कर रेडी करते हैं। से हल्का हल्का सिक गया है, अब इसमें तेल लगाएंगे। सारे पराठे सेक कर तैयार करते हैं।
आलू के पराठे हमारे बनके तैयार हैं, तो अब हम बनाएंगे प्याज के। इसी मिक्सचर में हम प्याज मिक्स करेंगे, जितनी प्याज में रिक्वायरमेंट है इसको मिक्स करते हैं अच्छी तरह से। ये देखिए प्याज हमने इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब उसी तरह हम पेस्ट के पराठे बनाएंगे। ये पराठा क्रिस्पी भी है और सॉफ्ट भी है, आलू प्याज का पराठा। इसी तरह हम सारे पराठे बना लेंगे। तो ये देखिए हमारे पराठे जो है बनकर तैयार हैं। इसे मैंने सर्व किया है हरी चटनी, दही, नींबू का अचार। ये घर में डाला हुआ नींबू का अचार है। इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मूली और बाकी सैलेड भी आप यूज़ कर सकते हैं, लाइक खीरा, प्याज, जो भी आप खाना चाहते हैं। तो ये हमारे आलू प्याज और आलू के पराठे बनकर तैयार हैं। तो ये देखा हमने किस तरह से आलू के पराठे और उसके साथ प्याज मिक्स करके दोनों तरह के पराठे मैंने आपके साथ शेयर किए। आई होप आपको पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ आप इसको घर पर ट्राई कीजिए और अपने जो भी कमेंट्स हैं वो मेरे साथ इनबॉक्स में शेयर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट।